हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ब्यूटीफुल वैली ऑफ श्रीनगर, और हम जर्नी शुरू करने वाले हैं चंडीगढ़ से, जो 600 किलोमीटर की है। और गेस व्हाट, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बाय बस, एक स्लीपर बस यहाँ से चलती है जो ऑलमोस्ट 12 आवर्स के आसपास लेती है, और हम उसमें ही जा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आ गया हूँ अपने बोर्डिंग स्टेशन पे, जहाँ से मैंने बस को बोर्ड करना है। जल्दी मैं आपको बस को दिखाऊंगा जब मैं बोर्ड करने लगूंगा। तो ये है चार्जिंग पोर्ट और वो शूज रखने की जगह। तो ऑलमोस्ट 12 घंटे के सफर के बाद एक जगह हम रुके हैं जहाँ पे हमने मैगी खाई है। मैं जनरली बाहर जब जाता हूँ तो मैगी प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो ना सही रहती है। तो अब हम निकलेंगे आगे श्रीनगर की ओर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कहने को उन्होंने लिखा है वॉल्वो कुछ नहीं है। अभी हमें ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है, ये टनल भी खत्म ही नहीं हुई। ये जो आप रिवर देख रहे हैं, ये है झेलम। गजब बेइज्जती है। बाईस घंटे की टायर्ड जर्नी के बाद मैं पहुंच पाया हूं फाइनली पुलवामा। अब मैं यहां पे थोड़ा रेस्ट करूंगा, उसके बाद वी विल गो टू द गॉर्जियस श्रीनगर, जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे, उसकी मार्केट्स और डल लेक। थैंक यू मेरा व्लॉग देखने के लिए चंडीगढ़ से श्रीनगर स्लीपिंग बस में। बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, प्लीज़ आप कभी भी अभी फॉर टाइमिंग तो बस में ट्रैवल मत कीजिए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जिसकी वजह से अब मान के चलिए बहुत ओवर टाइम जा रहा है, 8 से 9 घंटे का जा रहा है। तो मैं आपको सजेशन देता हूँ, या तो फ्लाइट में ट्रैवल कीजिए, या आप ट्रैवल कीजिए बाय ट्रेन। बाय ट्रेन आपको मिल जाएगी चंडीगढ़ से रात को उधमपुर की, फिर वहाँ से आप बनिहाल तक आपको शेयरिंग कैब करनी पड़ेगी, वो 200 रुपये लेते हैं। फिर उसके बाद आपको बनिहाल से श्रीनगर तक का वो मिल जाएगा, अलग से ट्रेन मिल जाएगी। एंड देन अगर मैं बात करूं फ़्लाइट की, तो चंडीगढ़ से 1 आवर 45 मिनट्स की फ़्लाइट है डायरेक्ट श्रीनगर की। तो चलिए फिर, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय।